ठीक है, फिर आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन यानी पावर जनरेशन की नीतिवेदिका, ये एक टॉपिक है। इसके अंदर बहुत कई सारे सब टॉपिक भी आते हैं। हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो आपकी पावर जनरेशन की जो इकोनॉमिक होती है वो किस तरह से वर्क करती है और कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पावर जनरेशन की प्रोसेस है, खास करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही बात करेंगे, यानी कि अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बनाने की जो प्रोसेस है, या ये कहें कि घर घर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचाने की जो प्रोसेस है, उसमें आपकी ये पावर जनरेशन की मितव्ययता, यानी कि जो पावर जनरेशन की मितव्ययता जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप सभी लोग अपने घर में अगर बिजली का यूज करते हैं, तो आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आपके घरों में जो बिजली आए, ठीक है, आप बराबर यूज करें, वो सब सही है, लेकिन जो आपका बिल आता है, यानी कि जो आपको आउटपुट देना रहता है, उसके बाद जो आपको पे आउट देना रहता है, वो आप सभी लोग चाहते हैं कि हमको कम देना पड़े। तो वो कैसे हो पाता है या फिर कैसे हो पाएगा, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। या फिर आप लोग अगर बिजली की अपेक्षा और कोई अगर उसकी जगह पे ऑप्शन इस्तेमाल करते, तो जाहिर सी बात है उसकी जो कॉस्ट आती है वो अधिक आती है। लेकिन अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपने काम को करते हैं, जैसे कि फैन चलाना या फिर और भी जो प्रोसेसेस होते हैं और भी अपना काम करना, तो आपको और जो प्रोसेस है उसकी अपेक्षा बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी सस्ती आपको पड़ रही है, इतनी सस्ती आपको अगर मिल रही है बिजली की आपूर्ति, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो वही रीजन है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन की मितव्ययता का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उसमें ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से जो एनर्जी की कॉस्ट आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कॉस्ट आती है, वो कम से कम आए, जिससे कि उसको अलग अलग जगह पे या अलग अलग घरों में अलग अलग जगह सप्लाई या उसकी दी जाए, उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसेस है, इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया। ठीक, और आप लोग ये जान रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जो इलेक्ट्रिक की डिमांड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो घटने वाली नहीं है, वो बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है, तो सभी लोग ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी जो हो वो थोड़ी और सस्ती हो, जिससे कि लोग और भी जो वस्तुएं हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलाने वाले वो चल पाए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ दिन पहले, 2-4 साल, 5 साल या 10 साल पहले, बिजली की जो आपूर्ति थी वो आपके घरों में या फिर और जगहों पे उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर बराबर मात्रा में नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज की डेट में हर जगह बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति बराबर मात्रा में पहुंच रही है, और लगभग हमेशा पहुंच रही है। तो सभी लोग ये चाहेंगे कि जो बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि उन लोगों की बचत हो पाए। ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम है, इनको निम्न प्रकार से इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, यानी कि पावर जनरेशन की मितव्ययता या इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के अंतर्गत, इनको 4 चरणों में, यानी कि हम यूं कहें कि इनको 4 भागों में बांट दिया गया। अब ये 4 भाग कौन है, मैं आपको बता देता हूं।
पहला है आपका जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन, ठीक है। पहला आपका है जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका आता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है आपका उपयोग, आपका हो गया वितरण, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये ट्रांसमिशन। इन चार भागों में आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो इकोनॉमिक्स है उसको बनाई गई, चार भागों में जनरेशन और ट्रांसमिशन और उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद उपयोग, ठीक है। ये चार भागों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कॉस्ट के बारे में, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कॉस्ट को किस तरह से यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। पहले जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये जो है कैसे वर्क करती है या फिर इनको कैसे समझा जाता है। पहले बात करेंगे, एक एक करके पहले बात करेंगे, पहले बात करेंगे जनरेशन की, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेशन में मितव्ययिता, यानी कि इकोनॉमिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में आप किस तरह से इकोनॉमिक का उपयोग करके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन की भूमि तथा भूमि को निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाना और पावर जनरेट प्लांट के लिए भवन तथा इसका निर्माण कार्य और उसपे यंत्र जो उपयोग होते हैं और उपकरण जो उपयोग होते हैं तथा इनका जो इंस्टॉलेशन होता है और उच्च पदाधिकारी या कर्मचारी कारीगर मजदूरों का वेतन, ठीक है, आदि जो आर्थिक दृष्टि से जो इकोनॉमिक्स होती है वो होना चाहिए। यानी कि जो भी चीजें जो इसमें जनरेशन में काम में आती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसके लिए क्या प्लांट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो प्लांट आप स्थापित करेंगे उसके लिए आपको भूमि की जरूरत होगी। जो भूमि की जरूरत होगी वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, कि मतलब सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, कम कॉस्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके मजदूर हो गए जो काम करेंगे उस प्लांट में, वो भी कम वेतन पे आप चाहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, आप इकोनॉमिक का यूज करके, यानी कि वहां पे क्या आप उसको और इकोनॉमिक बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि कम कॉस्ट पे आपको मजदूर भी मिल जाए और जो उपकरण आप लगाएंगे वो भी चाहेंगे कि कम कॉस्ट पे मिल जाए, यानी कि ये सब सारी चीजें आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक हो जाए। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन को भी लोड स्टेशन के निकट होना चाहिए, यानी कि जो आपके लोड स्टेशन होते हैं उसके पास में अगर इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है या फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है तो बेनिफिट होता है कि जो आपके ट्रांसमिशन का खर्च है वो थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके जनरेशन की, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बनती है जहां से बनती है आप उसमें किस तरह का इकोनॉमिक का यूज करके उसकी कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसमिशन की, यानी कि इकोनॉमिक इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में इकोनॉमिक किस तरह से अपना रोल अदा करता है। इसके लिए संपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन तथा इनका इरेक्शन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन की भूमि भवन तथा इसका निर्माण, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में प्रयुक्त यंत्र उपकरण तथा इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें मेरी यही बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बाद उसका सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है उसमें जो भी चीजें इस्तेमाल में लाई जाएगी, जो भी वस्तुएं या जो भी उपकरण या फिर अदर इक्विपमेंट जो भी आपके इस्तेमाल में लाए जाएंगे वो ट्रांसमिशन में
से ही जुड़े होंगे, क्योंकि हम ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए या सस्ते होनी चाहिए, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको वो बार बार चेंज करना पड़े, ठीक है। तो एक तरह से बात की जाए उनको इस कैटेगरी में रखा जाए कि इकोनॉमिक भी हो और ज्यादा दिन तक वो चले भी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई ट्रांसमिशन के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड आता है आपके ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब आप बोलते हैं कि जो आपके पावर हाउसेस होते हैं उसके बाद आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब आप एज्यूम करिए कि जब पावर हाउस से आपकी घरों में सप्लाई आती है तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किस उनको किस तरह से इकोनॉमिक बनाया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का उसका रिएक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की भूमि यानी कि भवन तथा इसका निर्माण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको एक भवन बनाना पड़ता है, एक भूमि देनी पड़ती है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य, तो ये सब भी, और उसमें भी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जब जाहिर सी बात है जब आप भूमि बनाएंगे ऑफिसेस बनाएंगे तो उसमें आप कर्मचारी को रखेंगे, ठीक है। जब आप उसमें कर्मचारी को रखेंगे तो कर्मचारी को हाई पे पे नहीं रखना है, यानी कि उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा वेतन पे नहीं रखना है, आप ये चाहेंगे कि कम से कम वेतन पे कर्मचारी को रखें और उसको इस तरह से इकोनॉमिक बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर ये कहें कि बनाया जाता है। अब लास्ट और अंतिम जो ये आपका इकोनॉमिक्स का यानी कि पावर जनरेशन की जो इकोनॉमिक होती है उसका जो लास्ट अंग होता है, जो आपका अंतिम चरण होता है, वो होता है अब क्या है, पावर फर्स्ट वाले में क्या है आपकी पावर जनरेट हो गई, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम से पावर हाउसेस में पहुंच गए आपके बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आपके घरों में आ गई या फिर और जगह जहां पे जाना फैक्ट्री वगैरह में चली गई, उसके बाद क्या होगा कि आप उसका क्या करेंगे लास्ट में उपयोग करेंगे, जो कि आप हम लोग सभी लोग करते हैं। अब इसमें किस तरह से आप उसको इकोनॉमिक बना सकते हैं ये देखा जाए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले यंत्र उपकरण और औजार आदि की कार्यकारी एफिशिएंसी उच्च होनी चाहिए, संपूर्ण सिस्टम की पावर फैक्टर उच्च होनी चाहिए, जहां तक संभव हो इलेक्ट्रिसिटी का निर्धारण व्यय कम से कम होना चाहिए। अब इसमें बात ये की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी बन गई उसके बाद आपको एक घरों तक पहुंच गई, चलिए ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन अब अगर आप उसका उपयोग करेंगे और आपने अपने घरों में बहुत ज्यादा पावर का इक्विपमेंट लगा के रखा है तो क्या होगा, उसका आउटपुट क्या आएगा कि बाद में जब अंतिम में बिल निकालने वाला आएगा तो आप देखेंगे कि ज्यादा यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी और बिल आपका ज्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है आप तो वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना तो बेकार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप ये चाहेंगे आप अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली से चलने वाले, ठीक है, वो कम से कम आपूर्ति पे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पे चल पाए, यानी कि जब आप उनका उपयोग करें तो जो बिजली लें वो कम से कम लें और आउटपुट दें वो बेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि बिजली कम दें और आउटपुट भी ना दें, आपका काम भी ना करें सही से, तो बेकार है, ठीक है। आप ऐसा इक्विपमेंट लें या ऐसा इक्विपमेंट अपने घरों पर लगाएं जो कि कम से कम बिजली इनपुट लें और आउटपुट बेस्ट दें, भले ऐसी जो आपके इक्विपमेंट आते हैं उनकी जो प्राइमरी कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बेहतर यानी कि ज्यादा होती है, ठीक है। जो ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जो कम बिजली लेते हैं और आउटपुट बेस्ट देते हैं उनका क्या है, थोड़ा सा प्राइमरी कॉस्ट यानी कि जो प्राथमिक लागत बोलते हैं, जैसे कि उनका जो खर्च आता है खरीदने का वो थोड़ा सा महंगा आता है। इसकी वजह से आज भी आप देखते होंगे गांवों में या फिर और भी जगहों, आप पहले देखते थे कि एलो टाइप का बल्ब पहले सबके घरों में लगा रहता था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बेसिक जाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट सबके समझने योग्य है, क्योंकि हर एक इंसान अगर इस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेगा तो आने वाले दिनों में जितनी भी चीजें हैं लगभग मैं ये सोचता हूँ कि 80% जो भी आपकी वस्तुएं हैं जो कि आप अदर फ्यूल का इस्तेमाल करके चलाते हैं सारे आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, ठीक है। तो ये जानना सबको जरूरी है, आप पहले देखते थे कि सबको सबके घरों में येलो लाइट यानी कि पीले कलर की लाइट लगी होती थी वो तकरीबन 100 वाट,
आज के डेट में आप ये देखेंगे कि गांवों में या शहरों में या कहीं भी आपको वो लाइट्स नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अब ये जान गया है कि अगर हम वो लाइट लगाते हैं तो उसकी जगह पे हम अगर एलईडी या फिर इसके पहले सीएफएल का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आज के डेट में एलईडी ज्यादा प्रचलित हो गई, एलईडी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए रोशनी के लिए, लाइट के लिए। तो अगर उसकी जगह पे आप एलईडी इस्तेमाल करेंगे तो कई सारे एलईडी जो है उसकी एक एक बल्ब की जगह पे कई सारे एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जागरूकता हुई इस वजह से सब लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि अगर वो एलो बल्ब आप लगाते हैं 100 वाट का, आपके जो खर्च आती है, आपके जेब से जो पैसा जाता, अधिक से अधिक जाता। ठीक है, कहा यह जाता है कि जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है तब तक आप उसकी कीमत नहीं समझते। ठीक है, तो पहले कुछ सिस्टम गांवों में भी मीटर्स वगैरह नहीं लगे थे, आज के डेट में सबके यहाँ लगभग लगभग गाँव में भी लग गए। तो तब पता चल रहा है इंसान को कि ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि हम अगर बिजली हमको मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जो मेन प्रकार के इकोनॉमिक्स लाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इकोनॉमिक बनाने के लिए, सस्ती बनाने के लिए हम किस किस प्रोसेस का उपयोग करते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एक आपका अगला टॉपिक होगा जो कि पावर जनरेशन की जो आपकी मितव्ययिता है इसी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन की कॉस्ट को प्रभावित करने वाले कारक। मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन की कॉस्ट को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक जनरेशन की जो कॉस्ट होती है उसको जो प्रभावित करने वाले कि जो आप इफेक्ट लाते हैं उसमें, उसकी कॉस्ट में उसके कौन कौन से टर्म्स या कारक हो सकते हैं, कारक की बात की जा रही है। ठीक है, आपके कारक की जो इंग्लिश होती है फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी कॉस्ट को, किसकी कॉस्ट को, इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन की कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कारक है। पहला है इंस्टॉलेशन का स्थल, यानी लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन फर्स्ट है, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। उसके बाद सेकेंड है नियर द लोड इलेक्ट्रिकल सेंटर। सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन,
ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ है सब डिविजन ऑफ प्लांट एंड ऑपरेट। लेबर सेविंग इक्विपमेंट नेक्स्ट है आपका छठा होगा फ्यूचर एक्सपेंशन सेवंथ है आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। ये कुछ आपके टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन की जो कॉस्ट होती है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो मैंने लिख दिया। पहला है आपका, एक एक करके बात करेंगे। पहला आपका है इंस्टॉलेशन का स्थल, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। अब इसकी बात करेंगे। स्टीम पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन स्थल जो आपका होता है वो कोयले की खानों के निकट होना चाहिए। अब ये निकट क्यों होना चाहिए, मैंने आपको इतना बताया है, इतना पढ़ाया है, आप लोग जान गए होंगे कि मैं निकट की बात क्यों कर रहा हूँ। जहां पर कोयला कम कॉस्ट पर आधारित मात्रा में सुगमता से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पानी की आवश्यकता हो, ठीक, और जो आपके घरों पे अवेलेबल होता है वो ना हो, तो हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि नदी के किनारे ही उसका घर, ठीक है, या फिर जहां पे पानी की सप्लाई जहां से मिलती हो वहीं पे उसका घर रहे। तो वही बात ये भी है की जा रही है कि जो आपका पावर स्टेशन होता है जहां पे फ्यूल अवेलेबल हो उसी के नियर अबाउट कहीं अगर आप पावर प्लांट स्थापित कर देते हैं तो जो आपके पावर प्लांट तक लाने की जो आपकी कॉस्ट होती है फ्यूल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और कई सारे फैक्टर हैं और आसानी से आप जब चाहेंगे तब आपको फ्यूल यानी कि कोयला आसानी से मिल पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट में का निर्माण यथोचित मात्रा में प्राप्त जल प्रवाह वाले स्थानों पर करना अनिवार्य होता है। हाइड्रो पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो पानी जहां पे होता है वहीं पे इसका जो सुचारू रूप से इसको कार्यरत माना जा सकता है या माना जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को वहीं पे स्थापित किया जाएगा जहां पानी का प्रवाह होगा, पानी अधिक मात्रा में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, जो कि कॉस्ट को इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कॉस्ट को क्या करता है, प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक की जो बनाने की जो कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की जो कॉस्ट आएगी उसको जाहिर सी बात है उसको ये प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्यूल आ रहा है तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से, तो होगा क्या कि जो आपके लाने की फ्यूल को ले आने की जो कॉस्ट होगी वो तो ऐड होगी ना इलेक्ट्रिक जनरेशन में, यानी कि पावर जनरेशन में वो तो ऐड होगा ना। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक कहाँ होगा आपका, ठीक है। जहां पे फ्यूल अवेलेबल हो, जहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो, आप यही चाहेंगे कि प्लांट को वहां पे स्थापित किया जाए। उसी को पहले पॉइंट बताया गया है कि इंस्टॉलेशन का जो स्थल होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग जो पावर प्लांट है सबकी अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग जगह पर कार्यरत होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे उनका इंस्टॉलेशन किया जाए जिससे कि आपकी ये जो कॉस्ट है उस पर ये जो फैक्ट यानी कि जो बढ़ाने की जो स्थिति है ऐसी ना हो, जो आपकी कॉस्ट हो पावर जनरेशन की वो कम से कम हो,
दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लोड सेंटर के निकट। अब इलेक्ट्रिक लोड सेंटर नियर द लोड इलेक्ट्रिकल सेंटर, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर को लोड स्टेशन के निकट होना चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में बचत हो सके और विदित हो कि हाई वोल्टेज पर अल्टरनेटिंग करंट की अपेक्षा डीसी करंट की पावर ट्रांसमिशन अति इकोनॉमिक साबित हो सकती है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, यानी कि डिजाइन की सादगी, यानी कि सिंपल होना चाहिए डिजाइन। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की न्यून मूल कॉस्ट तथा न्यून ऑपरेशन की कॉस्ट के लिए प्लांट की डिजाइन सादी व मितव्ययी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उनके डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा, डिजाइन ऐसे सिंपल होना चाहिए। और सिंपल होगा तो जाहिर सी बात है अगर आप अपना घर भी बनवाते हैं और वो सिंपल बनवाते हैं तो कॉस्ट उसकी कम आती है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात की जा रही है कि डिजाइन इसका सुगम होना चाहिए। इसके लिए प्लांट के अभिन्यास कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्लांट में स्टार्ट यानी कि जो आपके उपकरण होते हैं उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में कम समय और सुविधा पूर्वक किया जा सके। अब इतना जटिल अगर उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा जिसकी वजह से जो आपके उपकरण होंगे वो आसानी से दिखाई ना दे, वहां तक इंसान पहुंच ही ना पाए जो उसको मेंटेनेंस करेगा, तो दिक्कत तो आएगी ही। इस प्रकार उसका डिजाइन आसान किया जाए जैसे कि सारे काम जो है उचित ढंग से हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब डिविजन ऑफ प्लांट एंड ऑपरेटर्स, प्लांट और उपकरण के उपभाग। प्लांट के उपकरणों का इंस्टॉलेशन अलग अलग समुच्चय अर्थात खंडों में विभाजित होना चाहिए ताकि आपत्तिकाल या फिर और भी जो भी आपके ऐसे समय हो उसमें फॉल्ट अवस्था में पूर्ण बंद होने से बचा जा सके। जैसे सिंगल वास्तविक प्रतिभाव टर्बाइन जनरेशन सेट, सिंगल पेनस्टॉक, या इसकी बात ये की जा रही है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं एक प्लांट को या फिर और भी दो तीन अगर प्लांट है उनको कई सब डिविजन में आप बांट दीजिए, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे कि जो बिल्डिंग्स होती है उनको कई सब डिविजन में बांट दीजिए, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग आपकी डैमेज हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, उसको आसानी से सुधारा जाए। उसी प्रकार आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको कई भागों में अगर बांट दिया जाएगा तो एक जगह पे अगर दिक्कत आएगी तो पूरी आपकी पावर की जो सप्लाई होगी वो तो बंद नहीं होगी, ठीक है, इसलिए उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्यकर्ता बचत उपकरण, यानी कि लेबर सेविंग इक्विपमेंट। जाहिर सी बात है इसमें अगर आप इस पॉइंट को अगर आप निगेटिविटी से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा कि जो कर्मचारी हैं कर्मचारियों को रिप्लेस किया जा रहा है इक्विपमेंट से, ठीक है। अब इसको आप बेरोजगारी भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन ये इकोनॉमिक के लिए यानी कि बचत के लिए किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री की बात की जाएगी तो ये पॉइंट हर जगह आएगा। जहां पे भी प्रोडक्शन की बात की जाएगी या पावर जनरेशन की या फिर किसी प्रकार के जनरेशन सिस्टम की बात की जाएगी तो वहां पे उसकी कॉस्ट को निर्धारित करने या प्रभावित करने की बात की जाएगी वहां पे, तो लेबर सेविंग इफेक्ट की बात जरूर आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फ्यूचर एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम या फिर कोई भी सिस्टम होता है एक्सपेंशन की बात जरूर की जाती है। संपूर्ण अभिकल्पनात्मक योजना के अंतर्गत भविष्य में विस्तार संबंधी योजना का विधान होना चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड के अनुसार कम कॉस्ट का प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा सके, क्योंकि अलग अलग प्लांट की संरचना में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि आप अगर इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम या फिर स्टेशन लगा रहे हैं तो अगल बगल कुछ क्या है जमीनें आप छोड़ के रखें जिससे कि आप फ्यूचर में उसका एक्सपेंशन कर सकें। जाहिर सी बात है अगर आप दूसरी जगह एक्सपेंशन करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, और आपका एक प्लांट वर्क कर रहा है उसी के बगल में आप अगर एक्सपेंशन कर देंगे उसका विस्तार कर देंगे तो वो कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि एक तो पावर प्लांट वहां पे चल ही रहा था पहले से, उसकी सप्लाई सारी कुछ चल रही थी, वही जो मजदूर होंगे वही जो लेबर होंगे उसको भी मैनेज कर लेंगे और आसानी से आपका जो एक्सपेंशन प्रोसेस है हो जाएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट इसमें पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन की बात, यानी कि संगठन की बात की जाती है।
प्लांट निर्माण हेतु जो आपका निर्धारित प्रबंधक समिति के वेतन पाने वाले कर्मचारी की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो स्टेशन होते हैं उसके अंदर जो संगठन होता है, संगठन का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रबंधन समिति होती है उसमें कम से कम मेंबर होने चाहिए और उसमें जो कर्मचारी वर्क करें वो कम से कम हो, जिससे कि आप ये जानते हैं कि संगठन में जो भी व्यक्ति कार्य करता है या जो भी कर्मचारी वर्क करते हैं उनकी जो एक तरह से वेतन कहें तो बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ मेंबर या नंबर आप अगर लेबर कहें आप कह सकते हैं तो ज्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो उनकी वेतन कॉस्ट होगी वो अधिक होगी और ये कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन की कॉस्ट को प्रभावित करेगा और बढ़ाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन के कुछ पॉइंट्स की। मैं इसके आगे कल भी इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा और आपको आगे जो पॉइंट है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, या आज मैंने आपको दो तीन पॉइंट बताया जो इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।